सो यहाँ पे गेट ठीक है सर, रिस्पेक्ट है भाई मोटो व्लॉगर का। सादा खाना को प्राइस कती हो, कती हो प्राइस थाली को? तेल फुल करा लेता हूँ यहाँ पे, जो परमिट ऑफिस है ना नेपाल का, यही ऑफिस है। तो भाई क्या व्यू लग रहा है भाई, एक ये नदी है, एक उधर से नदी आती है। बट फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पोखरा से, पोखरा होटल से। मुस्तांग से पहले एक जगह है, वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की राइड होगी ये आज वाली एपिसोड में, और अभी जाते हैं पोखरा में जाके पास बनाएंगे। कल गया थे इवनिंग टाइम में तो पास ऑफिस बंद हो गया था, तो पास बन नहीं पाया था, तो अभी जाके मैं परमिट बनाऊंगा मुस्तांग के लिए। अगर आप फॉरनर्स, अगर इंडिया से आ रहे हो, चाइना से आ रहे हो, कोई भी विदेशी कंट्री से आ रहे हो आप, तो आपको परमिट बनाना पड़ेगा, या परमिट बना के आप मुस्तांग जाओगे। तो एक परमिट का प्राइस 1000 रुपया नेपाली इंडियन बंदे के लिए, और वहाँ पे 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता तक आराम से आप वहाँ रह सकते हो। तो अभी चलते हैं परमिट ऑफिस, परमिट ऑफिस में जाके पास बनाते हैं, आपसे मिलते हैं, आप पास भी दिखाएंगे, क्या क्या प्रोसेस, सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। चलो चलते हैं, है ना। यही होटल था भाई, ये होटल मोनिला। सो चेकअप कर दिया हूँ, अब पास लूँगा फिर निकलूँगा। सो यहाँ से पहले राइट लेता हूँ मैं। ये हो गया भाई पोखरा का मार्केट, मॉर्निंग का कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा। अभी 10:15 हो रहा है अभी, सो 10 बजे का कुछ इस तरह का व्यू है भाई। जो परमिट ऑफिस है ना नेपाल का, यही ऑफिस है, ट्रैकिंग परमिट फोटो यहाँ पे भाई। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ देखो भाई बहुत सारे राइडर सब यहाँ रुका हुआ है। सो ये सब भी भाई इंडिया का ही है। कहाँ का है भाई नंबर प्लेट ये? कर्नाटका का है ना ये, कर्नाटका का है भाई ये। यही परमिट जगह है भाई, यहाँ पे परमिट बनाऊंगा, पोखरा का यही ऑफिस है, लेक साइड के पास ही परमिट ऑफिस है। सो यहाँ पे पार्किंग कर दिया हूँ बाइक, और यहाँ पे देखो भाई ये हो गया ऑफिस, नेपाल टूरिज्म बोर्ड। सो कुछ इस तरह का व्यू है, ये हो गया ऑफिस, यहीं पर मैं परमिट लूंगा और आपको आगे चल के दिखाऊंगा मुस्तांग किस तरह। ये ऑफिस अंदर जाके आपको दिखाता हूँ, इमिग्रेशन ऑफिस पोखरा का। सो अंदर का कुछ इस तरह का व्यू है, अंदर में मैं परमिट लेकर आपको फिर आगे मिलता हूँ। ये देखो भाई परमिट में हमने ये सब लिया है, ये सारा डॉक्यूमेंट है, एक आधार कार्ड और 2 फोटो आपको चाहिए, और 1000 रुपया चाहिए। तो कुछ इस तरह की बुक मिली है जो एडवेंचर करने के लिए, क्या क्या वहाँ का लोकेशन है, मैपिंग वुपिंग इसमें। सो इस तरह के बुकें मिलेगी आपको, अब इसमें पढ़ सकते कुछ तरह के क्या क्या लिखा हुआ है, सेल्फ ड्रिंकिंग वाटर, क्या क्या करना है, कैसे ट्रैकिंग करना है, सारा प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है। एक बुक मिलेगी ऐसी, फिर एक और ऐसी बुक मिलेगी जिसमें मैप है, जो मैप आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे भाई, इस तरह से दिखाना, इधर नज़दीक करके दिखाना। ये देखो भाई कुछ इस तरह के मैप मिलेगा आपको। सो इधर सही करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये हो गया अपर मुस्तांग, थोरोंगला है ये, इस तरह के कुछ मैप मिलेगा। ये अपना भंसार हो गया था, ये हो गया आपको परमिट। सो कुछ इस तरह के परमिट है, ये दिखाना कैमरामैन इधर करके, ये परमिट है भाई। देखो एक फ़ोटो लग गया, आना पूर्णम कंजर्वेशन एरिया प्रोजेक्ट, और इस तरह से कुछ दिखेगा, पूरा डिटेल्स है। और यहाँ पे पैसा है जो कि 885 रुपया, 115 रुपया कुछ टैक्स है शायद, NRP कुछ लिखा हुआ है, वेट लगा हुआ है टैक्स। सो कुछ इस तरह का है अपना, मैंने पास बना लिया हूँ, पास आपको दिखा दिया हूँ किस तरह से क्या क्या प्रोसेस है, सारा प्रोसेस आपने समझ लिया होगा। सो ये हो गया 0 किलो पोखरा का, जो 0 किलो चौराहा है ये। सो यहाँ से हम लोग लेफ्ट ले लिए, उधर जाते तो डायरेक्ट एयरपोर्ट की ओर और काठमांडू वाला रूट में चले जाते, तो वहाँ 0 किलो से ना लेफ्ट लिया हूँ। अब ये सड़क जाएगी डायरेक्ट मुस्तांग मुक्तिनाथ, तो आज मुक्तिनाथ से दर्शन कराऊँगा आपको, और वहाँ का क्या क्या व्यू है, कैसा नज़ारा है, सारा चीज़ इस वीडियो के जरिए बताऊँगा आपको। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, कमेंट सेक्शन में बताना ये हमारा एपिसोड कैसा लगा। पिछले वाला एपिसोड आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ जाके आप क्लिक करके चेक कर लेना, और कमेंट करके बताना भाई अगर नेपाल के बारे में कोई सी ऐसी प्लेस बची हो जिसके बारे में आप बढ़िया से वीडियो देखना चाहते हो, तो कमेंट करके बताना, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊँगा और आप लोग को दिखा दूँगा इस चैनल के थ्रू। सो ये देखो भाई माउंट एवरेस्ट की तरह यहाँ पर एक पर्वत सा दिख रहा है, ये देखो भाई पूरे बर्फ़ से ढका हुआ है एकदम, अभी क्लाउड सटा हुआ है इसलिए क्लियर दिख नहीं रहा है, मैं आपको ये आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये दिख रहा है भाई, ये देखो भाई पूरा माउंट एवरेस्ट की तरह लग रहा है भाई। भाई नेपाल में वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है भाई, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा।
जाने तो दो मेरे भाई, तेल फुल करा लेता हूँ यहाँ पे। मैं उधर से मार्केट से बाहर आ गया हूँ, पोखरा में ही हूँ अभी, बट मार्केट से थोड़ा आगे आ गया हूँ। तेल डलवा लेता हूँ फुल करवा के, फिर निकलूँगा, क्योंकि आगे कोई ठीक नहीं है, कहीं फ्यूल ख़त्म ना हो जाए। इसको भी फुल करना है, फुल कर दो इसको, फुल करवा दिया ना उसको। चल ठीक, फुल कर दो फुल। गाइस फाइनली हमने तेल डलवा के बाहर निकल गया हूँ भाई। पोखरा से उधर थोड़ी दूर तेल डला के निकला हूँ ना, इतनी सड़क खराब थी उस बीच में, ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर तक तेल पूरी रोड सड़क खराब थी। फिर उसके बाद मेरे को हाईवे मिल गई है भाई। ये देखो हाईवे, ये भाई 4 लाइन है, देखो 2 साइड से इधर लाइन है, 2 लाइन उधर उधर ही है, दोनों साइड से 2-2 लाइन है भाई। अभी मिल चौक यहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहा है, मिल चौक के आगे 2 किलोमीटर बाद ये अभी जो दिख रहा है ये बुद्ध चौक का है, बुद्ध चौक बोलते हैं इसको, इस एरिया को। आगे मिल चौक है, वो भी दिखाऊंगा आपको। और ये देखो भाई माउंट एवरेस्ट की तरफ वहाँ पे जाना है भाई, देख रहे हो आप, पूरे वहाँ पे बादल स्नोफॉल पूरे वहाँ पे हुई हुई है। तो वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ आपको विजिट करके दिखाएंगे मुक्तिनाथ, हम भी देखेंगे और आपको दिखाएंगे। चैनल पर बने रहना, कमेंट सेक्शन पर बताना। ये होगी आपको मिल चौक, इसको बोलते हैं रोक हेयर राव जावा कुछ करके लिखा हुआ है यहाँ पे। ये मिल चौक है भाई, ये देखो भाई मिल चौक का कुछ इस तरह का व्यू है। और ये मार्केट सब है भाई, सो काफ़ी डेवलप लग रहा है भाई। ये पोखरा के अंदर में ही पड़ता है मिल चौक, आसपास का लोकल एरिया है ये। सो उस साइड से जैसे काठमांडू से उधर से आ रहा था ना, तो उधर भी लोकल एरिया था, बट उधर 4 लाइन बन रहा है, इधर 4 लाइन बन के कम्प्लीट हो गया भाई। ऐसे ही लाइन उधर भी बनने वाला है, जिस तरह से यहाँ बनी हुई है ना सड़क, उस तरह से उधर भी बन रही है सड़क, बट उधर बहुत दूर तक टूटी हुई है, मुंगलिंग तक टूटी हुई है। पोखरा तक का टेंडर लिया हुआ है चाइना वाला, आई थिंक ये भी शायद चाइना वाला ही बनाया हुआ है। ये देखो भाई कुछ इस तरह के सड़कें मिलेगी आपको क्लीन, मज़ा आ जाएगा भाई। पूरे सड़क अगर ऐसे ही रहेगी अच्छी अच्छी तो मज़ा आ जाएगा चलाने में। चल चल भाई विली मार, मार विली मार। ये देखो भाई, अरे नहीं उठा भाई, अच्छे से उठा। अरे यार अच्छे से नहीं मार पा रहा है भाई। ये सुई खेत है, इस जगह का नाम सुई खेत, अच्छे से मारना। ये देखो भाई वाह वाह वाह, बढ़िया है बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिस कर भाई ऐसे ही तू। मेरे को तो विली मारा नहीं जाएगा भाई, इस भाई इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी ऊंची गाड़ी है, और उसके बाद ये वजन भी ज़्यादा है ना भाई इस बुलेट में, तो इसमें विली कहाँ से मारा जाएगा भाई। ये देखो भाई क्या व्यू लग रहा है भाई, अभी अभी सूरज निकला है, अभी थोड़ी देर पहले ही, उस समय ठंड लग रही थी थोड़ी देर पहले, अभी सूरज निकला। आगे देखता हूँ सूरज की धूप वहाँ तक पहुँच पाती है कि नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा ठंड है। सुंदरपुरी चौक है ये, सुंदरपुरी चौक, हर एक 2-3 किलोमीटर पर देख रहा हूँ एक नया नया चौक देखने को मिल रहा है। ये देखो भाई सुंदरपुरी चौक यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, पोखरा के अंदर में ही है, हेजमा कुछ करके लिखा हुआ है यहाँ पे। सो कुछ इस तरह के मार्केट है, मुझे लगता है आने वाला 10 साल के अंदर में ये सभी मार्केट में आ जाएगा, पोखरा में पूरा सड़ जाएगा ये, क्योंकि ये स्पेस खाली है इधर। और जो भी है भाई बढ़िया यार, खाना छा खाना थाली कति हो प्राइस, सादा खाना को प्राइस कति हो, सादा खाना को प्राइस कति हो, तो भाई अभी कांडे में हूँ, कांडे ये क्या बोलते इस जगह का नाम भाई बोल रहा हूँ अभी, हाँ हाँ कांडे, कांडे करके कसकरी कसकी कसकी है कांडे कस। थाली छा थाली खाना? हाँ खाना, खाना। दो जाना को कति वो प्राइस थाली को, थाली को? सादा खाना थकाली, हाँ लो लगाए दून। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया हूँ, खाना खाकर फिर निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि पोखरा से निकला था उधर से ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। तो ये है खाना में कुछ थकाली, जो कि 250 रुपीज़ नेपाली का है, तो खाते हैं फिर आपको, आपसे मिलते हैं। यहाँ पे बाइक लगी हुई है, सो इधर मेरे को जाना है ना। हम लोग खा लिए, भरपेट खाए हैं भाई, मज़ा आ गया खाना खाने में, क्योंकि अभी बज रहा है 12:01 बज रहा है भाई। अगर रास्ता में मुझे होटल नहीं मिलता तो फिर इसीलिए मैं सोचा कि यहीं खा लेता हूँ, फिर आगे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा भी तो टाइम लग जाता ना, तो इसीलिए मैं यहीं खा लिया हूँ थोड़ा, और मोबाइल वाइल थोड़ा चार्ज किया हूँ, फिर निकल गया हूँ भाई। देखता हूँ जहाँ तक पहुँचने वाला हूँ वहाँ तक पहुँचता हूँ, वहाँ तक दिखाऊँगा आपको। और मुस्तांग तो आज तक नहीं पहुँच पाऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कल पहुँच पाऊँगा मुस्तांग, बिकॉज ये रास्ता है ना बहुत घूमी हुई है भाई, सीधी सड़क है ही नहीं है, जो 4 लाइन में दिखा रहा था वैसी है ही नहीं है, ये बहुत घूमी हुई है। देखो भाई ऊँची ऊँची पहाड़ है, देखो भाई ये देखो बड़ी ऊँची ऊँची जगह है, देखो ऊपर ऊपर से आया हूँ फिर नीचे आया हूँ फिर नीचे से ऊपर जाऊँगा, अभी नीचे जा रहा हूँ, फिर इधर से आया था भाई इधर से आया था। सो चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बगलुंग यहाँ से 30 किलोमीटर दिखा रहा है, बगलुंग
एक सिटी है वो भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ से 30 किलोमीटर दिखा रहा है। ये कौन सी जगह है, यहाँ पे परहरी चौकी नया पुल, नया पुल है ये, परहरी चौकी का नया पुल है, नया पुल एरिया का नाम है, गांव का नाम है ये। सो कुछ इस तरह का मार्केट है भाई, देखो बस बस लगी हुई है भाई। अगर आप पोखरा से आते हो, अगर आप बेंगलुरु और या मुस्तांग जाना चाहते हो तो यहाँ से बस भी जाती है, मुझे पता चला, और गाड़ी बुक करके भी जा सकते हो आप। तो मेरे पास तो बाइक है तो मैं बाइक से जा रहा हूँ, बट अगर आप लोग अगर आते हो और घूमना चाहते हो तो बस से भी जा सकते हो, यहाँ से पोखरा से, पोखरा से बस मिल जाएगी आपको, गाड़ी मिल जाएगी आपको, सोमो उमो जो बुक करके आप आराम से जा सकते हो। टैक्सी मिलेगी यहाँ पे, सुजुकी की अल्टो गाड़ी जो होती है वो सुजुकी की, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है टैक्सी में, बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई सोमो गोल्ड, ये भी चलती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। सो चलते हैं आगे, दिखाते हैं जो जो चीज़ दिखाने वाला होगा सारा चीज़ दिखाऊंगा। ये धौलागिरी प्रवेश द्वार, पर्वत जिला, हाँ धौलागिरी है भाई। ये देखो भाई यहाँ पर बोर्ड वोट लगा हुआ है, सो गेट था वो। ये देखो भाई ट्रक सब जा रहा है भाई, आगे बहुत ज़्यादा मार्केट सब है, बहुत मार्केट है उधर आगे। तो कल हो सकता है कल वाले एपिसोड में आपको मुस्तांग दिख पाए, मुक्तिनाथ, क्योंकि आज मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक रात हो जाएगी वहीं तक मैं राइड करूँगा, क्योंकि रात को राइड करनी अच्छी बात नहीं होती है भाई, रिक्स हो जाता है। ये देखो भाई क्या व्यू है यार, क्या व्यू है यहाँ, तो फोटो शूट करानी बनती है भाई, गजब शूट व्यू है भाई। ये देखो भाई ऊपर से कभी भी कोई भी पत्थर गिर सकता है भाई, उसके अंदर दब जाऊंगा गिरेगा तो। ये देखो भाई कोयला की तरह लग रहा है भाई, काले काले पत्थर है भाई, देखो वाइट पत्थर काला पत्थर सारा मिक्स है इसमें। ये देखो भाई ऊपर तक चट्टान है भाई, इसको काट के बनाया गया है सड़क। ये देखो ये जो सड़क बनी है ना, इसको काट के बनाया हुआ है भाई, बहुत काटा हुआ है इसको। बगल में एक नदी बहती है, छोटी सी नदी है, नदी का नाम नहीं है, मैं देखता हूँ नाम पता चलेगा मैं बताऊँगा। बगल में छोटी सी नदी है, पानी नहीं है ज़्यादा, कम सम पानी है, और कुछ इस तरह का व्यू है भाई। ऐसा सड़क मिलेगा अगर आप मुक्तिनाथ जाओगे तो, इस तरह का एडवेंचर करने को मिलेगा। अभी तो भाई ऑफ रोडिंग करने का तो एक बार मौका नहीं मिला इधर, बट आगे देखता हूँ, क्योंकि अभी तक तो सड़क सही थी, थोड़ी दूर पोखरा से निकला हूँ ना तो थोड़ी देर वहाँ पे सड़क खराब थी, बट इधर सही है भाई, इधर प्रॉपर तरीके से पूरा एकदम सही है रोड। ये देखो भाई ये छोटी सी नदी है जो मैं दिखाना चाहता था, ये वाला नदी है देखो भाई, ये डिगुआ, डिगुआ करके जगह का नाम है डिगुआ, और यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है बगलुंग, बगलुंग है ना 27 किलोमीटर दिखा रहा है बगलुंग। तो बगलुंग सिटी के पास चलते हैं, फिर वहाँ दिखाते हैं सिटी किस तरह का सिटी है। ये देखो भाई सही है ना, तो भाई देखो वहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू बगलुंग। सो यहाँ पे गेट लगा हुआ है, जिला समन्वय समिति, चेक पोस्ट है भाई यहाँ पे, नेपाली पुलिस का चेक पोस्ट था ट्रैफिक वाला का। सो एक सड़क उधर से गई थी, मैं कन्फ्यूज हो गया, तो वो सड़क जाती कि ये सड़क जाती है, बट कन्फर्म हो गया यही सड़क जाएगी। तो आज तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई, ठंड नहीं लग रही है, गर्मी लग रही है, ठंड नहीं लग रही है। कहीं कहीं पे जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है ना, वहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड लग रही है, नहीं तो उतनी ठंड नहीं है भाई इधर। अभी दिसंबर, लास्ट दिसंबर है भाई, जनवरी आने वाला है, मतलब दिसंबर आधा महीना गुजर गया हुआ है, फिर भी गर्मी है अभी भी। ये देखो भाई क्या मजा आ रहा है, ऊपर से देखो भाई लैंडस्लाइड कभी भी हो सकती है यहाँ पे, देखो भाई ऊपर से चट्टान कभी भी ढह सकता है। ये देखो बगल में नदी है भाई, और पूरे एकदम ठंडा ठंडा कुलकुल का सा एकदम मौसम लग रहा है एकदम यहाँ पे, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी, मीडियम है। सो बहुत मज़ा आ रहा है भाई राइड करने में इस सड़क पे, क्योंकि बहुत अच्छी सड़क है, खाली भी है, मज़ा आ रहा है चलाने में। ओ भाई उड़ जा मेरी जान, ये तो कट मारने में मज़ा आता है इससे, क्योंकि बुलेट है ज़्यादा दूर में घूमती है। ये देखो भाई उधर सूरज की रोशनी पहुंच रही है, इधर से मैं आया था, इधर से ऊपर से ब्रिज है भाई। ये देखो भाई ब्रिज, सबसे ऊपर का ब्रिज देखो, उस पर पब्लिक जा रही है उधर से, देखो इधर से जा रही है पब्लिक। ये देखो भाई जंगल, ये साइड जंगल, ये साइड जंगल, ये सब थोड़ा सा वो मिल रहा है जंगल उंगल एरिया, पेड़ पौधा मिल रहा है, बट जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ उधर तो भाई एक भी पेड़ नजर नहीं आएगा, एक भी पेड़ नहीं उधर, पूरे मरुस्थल जगह, लेह लद्दाख, छोटा सा लेह लद्दाख है ये। यहाँ पे शायद चेक पोस्ट है, अच्छा चेक इन चल रहा है, ट्रैफिक वाला चेक कर रहा है यहाँ पे, हम लोग को चेक नहीं करेगा भाई। ठीक है सर, भाई हम लोगों को तो चेक नहीं किया, बंदा बोला है रुकने के लिए बट चेक नहीं किया। देखा भाई मोटो ब्लॉगर है तो कोई रोक छोक नहीं भाई, कोई रोक छोक नहीं, सीधा निकलो भाई, सीधा निकलो, रिस्पेक्ट है भाई मोटो ब्लॉगर का भाई, मानना पड़ेगा भाई। ये देखो भाई
कहीं नहीं, कोई ट्रैफिक वाला मेरे को नहीं रुका, रोका है बट चेक नहीं किया, बोला भाई जाओ तुम जाओ, तुम्हें नहीं रोकना मुझे। ठीक है सर, नहीं रोकोगे मेरा टाइम वेस्ट क्यों करोगे फालतू, मेरा सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है, मैं उतना दूर से आया हूँ, बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके थोड़ी तो आ सकता हूँ इधर भाई। तो इसलिए उन लोग को बिलीव रहता है कि भाई ये बंदा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई, ये दिखा रहा था, ये ब्रिज दिखा रहा था, कभी भी गाड़ी आ सकती, इसीलिए अपने लेन में चलो, कभी भी बाइक राइड करते हो ना तो अपने लेन में चलो, पहाड़ी एरिया में, समतल में तो दिक्कत नहीं होगी, आगे से दिख जाएगी आपको। ये देखो भाई, इस ब्रिज के बारे में बात कर रहा था, ये देखो यहाँ से पब्लिक ऊपर से जा रही थी, ये वाली ब्रिज है, इधर से मैं नीचे से आया था भाई। क्या डिफिकल्ट सड़क बनी हुई है यार, यहाँ तो एक्सीडेंट हो गया हुआ है भाई, यहाँ एक्सीडेंट हो गया भाई, क्या बताऊँ आपको। ये देखो भाई, अभी दिखाता हूँ थोड़ा सा ना, गाड़ी उधर चली गई है, ये देखो पूरी ख़त्म हो गई है गाड़ी, शायद बच गई है भाई, बच गई है, निकल जाएगी गाड़ी। ये देखो भाई पेड़ सब, ठंड लग रही है थोड़ी बहुत इधर, क्योंकि ऊंची जगह है ना भाई। मैं फाइनली पहुंच चुका हूं बांगलिंग, सो बांगलिंग ये ट्रैफिक चौक बांगलुंग है जहां पे लिखा हुआ है। सो यहां से मुझे राइट लेना था बट मैंने लेफ्ट लेना था बट मैंने राइट ले लिया। अब ये देखो भाई, ये हो गया बांगलिंग चौक, कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा आपको। पूरा मार्केट जमा हुआ भाई, बहुत सारा मार्केट है इधर, उधर भी पीछे भी मार्केट था, इधर भी मार्केट है, इस साइड भी मार्केट है, बहुत सारी दुकानें। ये देखो भाई, ये सब दुकानें सब है, ये देखो सारा सामान यहाँ अवेलेबल है भाई। अगर आप पोखरा में शॉपिंग नहीं करते हो, अगर इस रूट में जा रहे थे, यहाँ भी शॉपिंग आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी सारा चीज़ अवेलेबल है। और मुझे ऐसा लगता है पोखरा से आपको चीपेस्ट में ही मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे मैंने खाना खाया था पोखरा में लेक साइड के साइड में, तो मेरे को एक थकाली थाली को प्राइस ऑलमोस्ट 320 रुपीज़ लिया था, बट यहाँ पे 250 रुपीज़ में आपको यहाँ पे एक थाली खाना मिल जाएगी, आपको यहाँ पे एक थाली मतलब पूरे खाना मिल जाएगा यहाँ। तो ये कुछ मार्केट है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे काफ़ी सस्ता होगा उधर पोखरा से कंपेयर किया जाए तो। यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू बेगलुंग, सो हम लोग सीधे निकलते हैं ऐसे करके, बिकॉज ये मार्केट एरिया है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है किधर से किधर निकलना है। ये देखो भाई काफ़ी आबादी है भाई यहाँ भी, मुझे ऐसा लग रहा था कि इधर इतना मार्केट डेवलप नहीं होगा, बट इधर भी बहुत ज़्यादा डेवलप है भाई, बहुत डेवलप है पोखरा के हिसाब से, ये भी डेवलप है भाई। ये देखो भाई बेंगलुंग, ये डिस्ट्रिक्ट आई थिंक वो सिटी लगता है, ये सिटी है, डिस्ट्रिक्ट तो दूसरा है, सुकुल्ले कुछ करके शायद डिस्ट्रिक्ट है ये, क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट को, नाम थोड़ा भूल रहा हूँ मैं, बताऊँगा अभी, बट ये काफ़ी डेवलप है भाई। ये देखो भाई, ये पूरे मार्केट एरिया है, पूछ ले एक बार। सो गाइस फाइनली मैं ऑफ रोडिंग करते हुए, देखो भाई टूटी हुई सड़क थी, थोड़ी दूर अच्छी सड़क थी बट थोड़ी दूर बाद है ना टूटी हुई सड़क, बहुत दूर ऑफ रोडिंग का, लगभग 5 किलोमीटर तक ऑफ रोडिंग करते आया, ऐसी सड़क मिली है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये हो गया भाई बेनी, यही है जो कि काफ़ी फेमस है, हमारा जो पास बना हुआ है ना उस पर लिखा हुआ है बेनी से एंट्री करना हो और बेनी से ही एग्जिट करूँगा, मतलब यही से हमारा पास बना हुआ है, बट पास जो बनाया पोखरा में बनाया, बट हमें यहाँ से पास की ज़रूरत है, वहाँ तक कोई ज़रूरत नहीं थी, अभी तक बेनी से पहले कोई ज़रूरत थी नहीं, पास की ज़रूरत हो जो यहीं से बेनी से ही। तो बेनी कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा मार्केट, और कुछ इस तरह के बिल्डिंग बनी हुई है जो कि दो नदी आती है, एक इधर से नदी आती है, एक इधर से नदी आती है, नदी में देखो भाई रफ्तार करेंट है भाई, करेंट पानी में, देखो आवाज़ यहाँ तक आ रही है, आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट हमें बहुत तगड़ी आवाज़ आ रही है। ये देखो भाई ये नदी है, ऊपर से पुल बना हुआ है, ब्रिज, जो कि पब्लिक लोग के इस पार से उस पर जाने के लिए, और हमें जाना इधर, यहाँ पे अपनी बाइक लगी हुई है। तो छोटा सा रील्स उल्स बनाया हूँ, और रील्स जो है ना आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगी, अगर हमारा इंस्टा और फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो उसको जाकर फॉलो कर देना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। ये जो है ना भाई अल्टो गाड़ी, ये बहुत चलती है भाई, पोखरा से यहाँ तक आती है, पता नहीं कैसे कैसे आ जाती है, बट राजा गाड़ी है इस रूट में भाई। तो बेनी है ये, आगे जाके आपको मार्केट में दिखाता हूँ, चलते हैं ना, आ जाओ। ये है नदी का ब्रिज, देखो भाई मैं पार कर रहा हूँ, मैं वहाँ से बता रहा था आपको, ये देखो भाई क्या व्यू लग रहा है भाई, एक ये नदी है, एक उधर से नदी आती है, बट उस नदी के किनारे किनारे मेरे को जाना है। ये देखो भाई यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है, और कुछ इस तरह के बेनी मार्केट है। अभी देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले एक राइडर मिला था जो कि दिल्ली से था। ये देखो भाई, ये हो गया बेनी मार्केट, ये चौराहा है, बेनी चौराहा। सो मार्केट तो बढ़िया डेवलप है भाई, बहुत सारी दुकानें खुली हुई है, शहीद स्तंभ लिखा हुआ है यहाँ पे,
निकलने दो भाई मुझे भी, मुझे भी। ये देखो भाई क्या मार्केट है यार, यहाँ भी सारा सामान मिल जाएगा आपको। बेंगलुरु में अगर आप शॉपिंग कर लिए, अगर नहीं कर पाए तो यहाँ भी आके आप शॉपिंग कर सकते हो। जिस तरह से मार्केट देखने को मिल रहा है, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे। इधर ये देखो भाई क्या मार्केट है, दो सड़क थी, कंफ्यूज हो रहा था उधर जाना है किधर जाना। भाई देखो यहाँ भी पुलिस ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस, हर जगह जगह पर आपको ट्रैफिक पुलिस मिल जाएगा भाई। ये देखो भाई इस तरह के मार्केट है, सारा सामान अवेलेबल है शादी शुदा के लिए। हाँ भाई क्या हुआ, क्या व्यू है यार। ये हो गया बेनी बस स्टैंड। सो बेनी बस स्टैंड कुछ इस तरह का दिखेगा, यहाँ पे बस वस लगी हुई है। सो सरकारी कार्यालय सब यहाँ पे बहुत सारा है, दिखाऊँ आसपास में हॉस्पिटल है, इसके ऊपर पीछे हॉस्पिटल है बेनी हॉस्पिटल, और ये है मार्केट का लास्ट पॉइंट। अब हम लोग बेनी निकलने वाले हैं, बेनी से बाहर। सो इस तरह का कुछ बेनी था, मुझे तो बढ़िया लगा भाई, बहुत डेवलप सिटी है यार, सिटी है बेनी ये भी। ये देखो भाई इधर आई थिंक स्कूल है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग जा रहा है। सो वेस्ट पॉइंट कॉलेज, और अच्छा कॉलेज है यहाँ पे, स्कूल नहीं है भाई, स्कूल भी होगा क्योंकि बच्चा भी आ रहा है ऊपर से। ये ब्रिज देखो भाई, ये ब्रिज क्या लग रहा है भाई, ये बगल की नदी है, इसी नदी से निकलूँगा मैं। सो ये देखो भाई कहीं कहीं पर इतनी डेंजर सड़क मिल जाती है भाई, इतनी डेंजर सड़क मिलती है। क्या व्यू है यार, ये देखो भाई पहाड़ का। अगर ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो को जहाँ तक जाने वाला देखूंगा, ज़्यादा देर की वीडियो हो जाएगी तो फिर समाप्त कर दूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखना